अब बोलो भैया आप आराम से। तो जैसे कि अपना एक तो 10th सर्टिफिकेट और 10th प्लस एक तो 10th का मार्कशीट है ना, प्लस 10th सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, प्लस आईटीआई डिप्लोमा जो भी कर रहा है उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट। सर सबसे बड़ी बात इनमें ये है, अपन का जो नेम है ना, नेम, फादर नेम, मदर नेम, सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ सब सेम होना चाहिए। एड्रेस की कोई दिक्कत नहीं है? एड्रेस का तो ऐसा कोई खास इशू नहीं, लेकिन ये तीनों चीज तो मतलब उन्होंने नेसेसरी मांगा। अगर चेंज हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, स्पेस वगैरह कुछ भी हो, एफिडेविट वगैरह चाहिएगा। देखो अच्छा अच्छा वो तो जैसे पहले कभी चेंज करवाया हो जब भी चाहिए क्या? पहले कब कराया आपने? मतलब आधार कार्ड में चेंज करवाया तो मैं, तो आधार कार्ड कोई दिक्कत थोड़ी ना, इश्यू थोड़ी है। अब सेम है कि ये बताओ, 10th 12th वगैरह सेम है? मतलब मैंने पहले चेंज करवाया था आधार कार्ड में, पहले चेंज करवाया था साल भर पहले, अब तो सेम है। अब सेम है ना सब जगह, ये बताओ आप? हाँ, एडमिशन तो सेम है सबकी जगह, तो बस तो सेम चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये सेम चाहिए है जो 10th 12th वगैरह सब में। उसके बाद में सर हमसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा था, हमसे एसटी वालों से, और कोई बंदा हो एसटी का उससे बोल देना। वो तो मैं ग्रुप पे चढ़ा दूंगा, जो भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना मैं, इसलिए कर रहा हूँ ताकि किसी को पर्सनली बोलने ना पड़े। एसटी का अगर कोई भी बंदा हो तो उसने जो फॉर्म में जो लगाया ना, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, उसके नंबर भी डाले होंगे उसने, तो वो चाहिएगा भाई साहब, उसके साथ ही ओरिजिनल और वो नया वाला ई मित्र वाला, जो अभी उन्होंने फॉर्मेट मांगा होगा। और सर उसके अलावा भी सबसे बड़ी बात यह है, अजमेर बोर्ड में आपके अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स कमी रह गई ना, तो आप पे लिखवा लेंगे वो वहाँ पे। भाग दौड़ कर रहे हैं उस चीज के लिए? नहीं नहीं, वैसे ऐसे भाई साहब किसी को नहीं भगा रहे, वो मतलब अच्छे से पेश आ रहे और बोल रहे बेटे ये कमी है आपको लिखो। जिसका अगर वो भी नहीं आया ना डिग्री वगैरह, प्रोविजनल तो वो नहीं ले रहे, जो 14, 15, 16, 17, 16 तक पास आउट है उनका प्रोविजन तो नहीं ले रहे भाई। उनके ये बोल रहे भाई तुम्हारी डिग्री लाओ, अगर नहीं ला सकते तो टाइमिंग लिखो उसमें कब तक लाओगे। अच्छा अच्छा टाइमिंग दे रहे हैं वो 1 महीने का? नहीं कोई ये जरूर नहीं है 1 महीने का, मतलब अपने हिसाब से दे रहे हैं सर। हाँ हाँ, ये प्रोसेस है सर जी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में आपके कागजों को 2-4 जगह चेक करेंगे, वो ऑफलाइन ही चल रहा चेक का सिस्टम, कुछ ऑनलाइन वगैरह नहीं है। उसके बाद में सर जी वो वहाँ पे आप DRM सर के पास जाओगे, वो चेक करके वहाँ पे आपके दो निशान चेक करेंगे, वो एग्जैक्ट जो दिख जाए मेडिकल के टाइम पे डॉक्टर को डायरेक्ट। अच्छा अच्छा, कट वगैरह का जो अच्छा खासा निशान हो दो, वो तो जो लिखने के बाद में जो आपको अजमेर या जयपुर, बीकानेर या जोधपुर जहाँ भी भेजना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, वो सर जी आपको मतलब एकदम क्या बोलते जब भेजना, वो पहले से लिखा रहता है, ऐसे नहीं कि वो बना के दे रहे हो कि भाई अजमेर भेज दो इसको, नहीं पहले से ये वो सब। उसके बाद में आपको अगले दिन बुलाया जाएगा, हमें तो ऐसे बुलाया जिसका सुबह 9 का शिफ्ट था ना, मॉर्निंग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उनको सर जोधपुर और बीकानेर भेजा सब बंदों को, है ना। और हम क्या दोपहर से तो 5-4 बजे फ्री हुए शाम के टाइम, और अगले दिन उनको वेरिफिकेशन कराना था, तो उन्होंने अजमेर और क्या बोलते जयपुर पास में भेज दिया। अच्छा अच्छा, तो कहने का मतलब ये 50 की शिफ्ट पहले आएगी 9:30 बजे वाले बैच में, और फिर 2:30 बजे वाले बैच में आएगी 50 की शिफ्ट। हाँ हाँ, तो 25-25 बंदे वहाँ से बीकानेर जोधपुर भेज रहे हैं सुबह वाली शिफ्ट से, और 25-25 बंदे शाम वाली शिफ्ट से जयपुर भी अजमेर भेज रहे हैं। हाँ जी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबका अजमेर है ही? अजमेर है सर जी, RRU बोर्ड अजमेर में। हाँ, और हाँ सर जी एक इश्यू और बताऊँ आपको, है ना, जैसे अपन 10th 12th का वो है ना क्या मार्कशीट वगैरह और सर्टिफिकेट है, उसके पीछे भी कुछ लिखा रहता है ना, साइन वगैरह कुछ भी, मोहर वगैरह, सील वगैरह लिखा रहता है ना, तो वो दोनों साइड से करानी है अपन को फोटो कॉपी, जिस भी डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल के पीछे दोनों साइड कुछ ना कुछ लिख रहा है ना, मोहर सिग्नेचर साइन वगैरह, तो उसकी दोनों साइड से फोटो कॉपी करवानी है। अच्छा, स्कूल के अध्यापक के साइन, प्रधान अध्यापक के? नहीं मतलब कुछ भी लिख रहा हो पीछे, सील या प्रधान अध्यापक के साइन कुछ भी, तो उस डॉक्यूमेंट्स के दोनों साइड से फोटो कॉपी करानी है अपन को। अच्छा अच्छा, और फिर उस पर सेल्फ अटेस्टेड करना, वो तो बोल देंगे वहाँ पे। हाँ, वो तो क्या कोई दिक्कत नहीं, वो तो वहीं का काम है। और सिंगल सेट ले रहे हैं वो, कोई ऐसा नहीं ले रहे, डबल सेट ले रहे हो? अच्छा, एक एक कॉपी ले रहे हैं सब चीज की? हाँ, एक कॉपी ले रहे, लेकिन अपन दो ले जाएंगे, क्योंकि बाई चांस किसी में साफ नहीं दिख रहा तो तुरंत वहाँ पे दे दे।
हाँ खैर वैसे 3 कॉपी रख ले चलाऊ मैं खुद ही। हाँ तो फिर उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल के टाइम भाई साहब है ना सुनो प्रोसेस देख लो। हमें यहाँ जयपुर बुलाया था केंद्रीय अस्पताल रेलवे में, रेलवे अस्पताल है वहां पे गए। सबसे पहले सर हमारा जो निशान वगैरह थे वो चेक किए थे उन्होंने, उसके बाद हमको एक फॉर्म दे दिया। फॉर्म में अपने बारे में सेल्फ लिख दो, जो अपन ने वहां पे लिखे थे ना सर ने लिखवाए थे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे, वो ही अपन को यहाँ पे लिखने हैं। दो चिन्ह जो अपन का मार्क चिन्ह पहचान चिन्ह। उसके बाद में सर फर्स्ट में लैब में ले गए, वहां पे अपन का मतलब ब्लड लिया, उसमें तुरंत यूरिन चेक किया। उसके बाद में तुरंत अपन को एक डिब्बी दे देते, उसमें यूरिन के अपन लिए। यूरिन लेके आओ, यूरिन को रख दो। उसके बाद तुरंत हम सर वहां पहुंचा दिए, क्या बोलते नियर विजन टेस्ट और ये कलर विजन टेस्ट के लिए। अच्छा। वहां पे एक मैडम है जो मतलब एक छोटी सी लाइन पढ़वाएगी, वो नॉर्मल विम दोनों आंखों से एक एक आंख करके। उसके बाद में वो नंबर बोलेगी, मैडम वो कलर विजन वाले नंबर रहते ना वो नंबर, और उसके बाद में वो पेंसिल से ड्रॉ करना पड़ता है वो। कलर विजन का। हाँ वो हो जाएगा नॉर्मल कोई ना, है ना। उसके बाद में फ्री हो गए सर, हमारा मतलब एक लैब में ले गए, वहां पे बोला कपड़ों को खोल दो। कपड़े खोलने के बाद में उन्होंने बोला दंड बैठक दो ऊपर नीचे, हाथों को जोर जोर से हिलाओ, चारों साइड घुमाओ दोनों हाथों को, अच्छा। उठाओ बैठाओ। फिर वो क्या बोलते वो डिप्स वगैरह लगाने की बोलते दो चार। अच्छा। उसके बाद में फिर सर हमें कपड़े खुलवा दिए, चड्डी भी खोल दो। हाइड्रोसिल के वो लिए। हाँ वो अरे कुछ नहीं, वो खड़े होके मतलब नंगा करके चारों साइड से देखते बंदे की वो फिगर वगैरह, और फिर उधर उधर घुमा के चारों बगल, फिर वो वहां से कुछ रीडिंग वगैरह ड्रॉ करके बाहर बैठा देते हैं। उसके बाद में एक्सरे रूम में ले जाते हैं, एक्सरे रूम में एक्सरे वगैरह लेके वहां से सर ईसीजी टेस्ट के लिए भेज दिया गया हमें। ईसीडी टेस्ट के लिए भेज दिया गया, तो ईसीडी टेस्ट के बाद में फिर हमें डायरेक्ट सर जी वो दूर वो है ना डिस्टेंस रीजन के लिए ले आया। तो वहां पे सर एक कुर्सी में बिठा के वो सीट सी होती है 6x6 की, वो दिखाते हैं उसको चारों साइड घुमाते हैं। अच्छा। ये A1 टेस्ट के लिए बोल रहा हूँ, A1+B1 इंक्लूड है इसमें। अच्छा A1+B1। हाँ मेरा दोनों था। हाँ BLP में तो A1 कुछ ही आपका। हाँ। तो सर वो चारों बगल सी घुमाते हैं, अगर वहां पे किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो उस सी के ऊपर ही दूसरी सी और होती है, वो 6x9 या 6x12 कुछ भी की होती होगी, लेकिन 6x6 नहीं दिखाते उसको दिखाते। हाँ चेक करते हैं कि कितना हाँ स्टैंडर्ड है इसका। हाँ और जिसका नंबर आ रहा है तो वो चश्मे पहन के देखो, क्योंकि ALP के लिए तो टेक्नीशियन के लिए तो भाई चश्मे से भी देखेगा ना वो। तो फिर उसके बाद वहां से वो लिख देते आपके उस कागज पे, वो घूमता रहता है, वो अपन ने शुरू में भरा था ना जो फॉर्म उन्होंने दिया था वो उस पे लिख देते हैं जिसकी 6x6 है या 6x9 है जो भी है, जो उसको लेके अपन एक रूम में जाते हैं, वहां पे उसको मैडम को दे देते हैं, और मैडम अपन की आंखों में ड्रॉप डाल देती है सर जी। अब ड्रॉप से 3 बार डालती है उस ड्रॉप को, और 1-1.5-2 घंटे बैठाए रखता है। बाद में उस ड्रॉप से अपन को कुछ भी नहीं दिखता, दिखने को तो बड़े बड़े अक्षर तो खूब दिखते हैं, जैसे आप खड़े तो आप खूब दिखते हो मेरे को, कोई दिक्कत ना है, लेकिन जो अपन के कॉल लेटर वगैरह हम जो शब्द लिखे रहते हैं छोटे छोटे, वो धुंधले धुंधले दिखते हैं सब कुछ। अच्छा, धुंधला दिखाई देने लगता है उस ड्रॉप से। हाँ कुछ भी नहीं देखेगा वो, धुंधले धुंधले दिखते। और जैसे बड़े बड़े अक्षरों में लगा जैसे चिकित्सालय वगैरह ये वो रूम डार्क रूम वो तो दिखता है बड़ा बड़ा है ना, लेकिन वो छोटे छोटे नहीं दिखते। उसके बाद में सर जी अपन के लेंस वगैरह चेक करते है वो। अच्छा लेजर सर्जरी वगैरह। हाँ सर उसके बाद में भी जिस बंदे की 6x6 आंख नहीं है ना उसको मतलब दूसरी मशीन में और ले जाते, कंफर्म करते कि हाँ भाई इसका है ही नहीं है। और मेरा 6x6 था है ना, लेकिन फिर भी मेरे को दूसरी मशीन में ले गए। क्यों? मैंने मैडम से पूछा भी था, बोला था बेटे जिसमें जिस उनको कंफर्म नहीं होता ना थोड़ा बहुत क्या कुछ प्रॉब्लम आती हो या आंख में कुछ भी उनको अलग दिखा हो तो वे श्योर करने के लिए दूसरी मशीन में 6x6 को भी ले जा सकते हैं। अच्छा अच्छा ऐसा कोई इशू नहीं है। मैडम नहीं नहीं हो गए ऐसे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो क्या है हमें कंफर्म करना होता है ना, जस्ट कुछ मैडम बेस चेक कर रही है लेंसों से तो उनको कुछ दिखा तो वो मशीन में पूरा श्योर हो जाता है कि हाँ भाई इसका 6x6 है या कुछ प्रॉब्लम है। हाँ 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 तो फिर मेरे को दूसरी मशीन में भी ले गया, लेकिन मेरा 6x6 ही था है ना। उसके बाद में उधर भेज देते, वहां पर सर अपन को बैठाए रखते, फिर हमें ऐसा कलर वो क्या डार्क डार्क विजन वगैरह ऐसा कुछ लेके तो नहीं गए थे सर जी है ना,
उसके बाद में अब देखो जिस भी बंदे की काफी टाइम बाद वो बनाते वो लिस्ट सी, उसमें सिग्नेचर वगैरह करवाते अपन के थंब वगैरह तीन चार जगह के, हाँ मैं पूर्ण तो सही हूँ, मैंने टीका बचपन में लगवाया था या नहीं, हाँ ना के वो कुछ फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरा करते। फिर उसके साथ उसके बाद में सर जिस भी बंदे का मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कल कल क्या था हमारे पांच बंदों का था, पांच छह बंदों का मतलब 6x6 नहीं था, तो उनको सर जी बोला कि आप घर जा सकते हो अब है ना, और आपको कल फिर इसी टाइम दोबारा आना है। अच्छा कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हाँ ऐसे नहीं कि यार एक बार में ही आपको भगा दिया, मेडिकल भी बुलाया उनको। हाँ जी और हम गए थे कल, तो उससे पहले भी परसों वाले ही बुलाए थे जिनके प्रॉब्लम थी ना कुछ भी, तो उसको भी बुलाया भाई है ना, क्योंकि यार वो एक साथ इतनी मेहनत से कोई आता तो नॉर्मल वे में नहीं भेजते, दोबारा बुला लिया उन बंदों को। अच्छा अच्छा। और जैसे हमें तो बोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि आप फिट हो या नहीं हो, या फिर कि तुम भाई तुम्हारा क्लियर हो गया, तुम वेरीफाई हो, सिग्नेचर करवा दिए, सिग्नेचर थंब लगवा दिए, वेरीफाई वगैरह का वहां पे लिख रहा था कुछ है ना, सब जगह थंब के हाँ भाई आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मोबाइल नंबर लिख दो, जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम हमें होगी या करेंगे तो हम तुमको कॉल कर देंगे, मोबाइल चालू रखना। अच्छा अच्छा। और तुम्हारा हो गया, और जिनका नहीं हुआ उनको कल कुछ प्रॉब्लम है आपके, इसलिए आपको कल आना है। अच्छा ऐसे कर रहे हो, ये प्रोसेस है भाई, बिल्कुल कोई मेडिकल वगैरह कुछ भी टप नहीं है, अपन का मन का वो होता है कि यार जाने क्या होगा वो होगा, अरे सब कुछ नॉर्मल बारीकी से, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है यार। अच्छा अच्छा। तो मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना जो हो रहा है, हाँ लगभग कितना टाइम लग रहा है सर जी? टाइम तो यार वो एक एक अक्षर को बारीकी से देख रहे हैं ना, तो हम देखो हमारा 2:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था, लेकिन हम 2:15 पे भी अंदर एंट्री किया था, क्योंकि बंदे और थे ना पहले वाले जो निकल नहीं पाए। अच्छा, तुमने बाहर बैठा रखा गया इतना? हाँ जी, 2:15 पे अंदर लिया गया। हाँ उसके बाद में सर मेरे को छोड़ा, देखो 5:15 बजे फ्री हुआ मैं बाहर के लिए। हाँ 5:15 बजे फ्री हुआ, लेकिन बंदे और थे मेरे बाद में भी 10-1। अच्छा अच्छा। वो थोड़े लेट हुए। अच्छा, तो मतलब यहाँ एक एक चीज मतलब वहाँ बैठा रखे हैं? एक बंदा नहीं देख रहा वहाँ, 7-8 बंदे दे अच्छे से, एक एक बंदा उसके भजाओ चेक कर रहे वो एक। अच्छा, आपको इतने दूर बैठा रखेंगे जब तक उसका चेक होगा? हाँ वहाँ पे भी फॉर्म होता है वो भरना पड़ता है। अच्छा, और बैठ रहो वहाँ पर क्या है, सब बंदे बैठ रहे थे, नंबर भाई बुलाते। अच्छा, जल्दी फ्री होना है तो जब वो अंदर लेते ना उस टाइम फर्स्ट में इंटर कर जाओ, फर्स्ट में कर जाओ इंटर। वो तो टोकन के हिसाब से है ना? नहीं, कोई टोकन नहीं, डायरेक्ट जैसे घुस गया, मैं पहले घुस गया तो पहले उसी रो से बैठाएंगे और उधर से ही उठाएंगे। अच्छा अच्छा, ऐसा हुआ था सर जी हमारे साथ तो। जैसे नंबर बोला गया तो आप जल्दी घुस गए पहले? अरे पहले नंबर से कुछ नहीं, जैसे एग्जाम नहीं होती लाइन लगाते, लाइन लगा दिया, चलो घुस गए, अब रो बाई रो बैठा दिया ये इधर से, तो उठाएंगे भी उधर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। हाँ एक बंदे को वैसे तो अगर मान लो डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ तो 15-15 मिनट ले जाएंगे ज्यादा ज्यादा बैठा के, तो वो तो यार उस पर डिपेंड करता है ना, वहाँ पे भी काफी चीज लिखवानी पड़ती है उनको। लिखवा तो एक साथ ही रहेंगे आपसे किसी उसमें बैठा के 8 बजे से। अरे आपके जो चेक कर रहा ना वो ही लिखवा रहा सब कुछ, आपकी फाइल को लिया और बैठो और एक एक चेक कराओ। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक एक को एक एक चीज देख ली, जैसे आपको मैंने बुला लिया मैं आपकी एक एक चीज को देखूंगा। और आप जो बैठ लिखते रहो। हाँ अपन का जो फॉर्म भरा था उस टाइम जो अपन ने जो लिखा था ना फॉर्म में जो भरा था उसको मैच करते हैं अपन प्रेजेंट डेट से। अच्छा अच्छा, ये सिस्टम है सर। अच्छा, बिना दिखाए आपको वो दिया जाएगा कि आप लिखो अपना डिटेल्स? अरे नहीं यार, मैं तो ये बोल रहा हूँ मतलब जो अपन का जो डॉक्यूमेंट्स में है ना उसको मैच कर रहे हैं अपन के फॉर्म में भरा उससे। अच्छा अच्छा, हाँ जी। अच्छा भैया, मैं तो यही पूछा था, मैंने कहा आपको शाम को फ्री कर दिया मेडिकल से? हाँ 5:15 बजे फ्री हुआ मेडिकल से। अरे मेडिकल से तो हाँ 4:30-5 के समथिंग सुबह लिया और शाम तक तो फ्री कर दिया आपका? हाँ 9 बजे घुसाए थे, शाम तक ही फ्री हो पाया। अच्छा अच्छा, भूखे पेट। अच्छा बेस्ट है यार, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लो एक दिन दो दिन में काम हो जाता तो कोई अच्छा ही अपने लिए। तो अब देखो दो दिन में ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे यार, वैसे जिसका कोई प्रॉब्लम वो अगले दिन भेज रहे हैं। अच्छा अच्छा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो स्पष्ट लिख के दिया होगा कि हाँ भाई आपका हुआ कि नहीं हुआ? हाँ
वहाँ पे स्पेशल आएंगे। लिख के तो कुछ नहीं, जिसको प्रॉब्लम होगी तो वो बोल देंगे ना, इसको प्रॉब्लम ही नहीं है सब जगह कि हाँ भाई उसके बाद ही देते है ना वो मेडिकल के लिए, और जगह कोई दिक्कत होगी तो वो लिख के लिखवा लेते हैं वहाँ पे कितने दिन में मैं कुछ लिया हूँ। किसी को कुछ लिखवाया नहीं है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है डॉक्यूमेंट में। और कुछ लिखवाया तो ये लिखवाया ना, जैसे ये नहीं है कब तक आ जाएगा क्या है? अच्छा ये बात है भाई। चलो ठीक है भैया, आपने यही पूछना चाह रहा था मैं, मन का कई बंदे मेरे से पूछ भी रहे थे, जैसे अच्छा अच्छा कई बंदे मेरे संपर्क में भी हैं। अब सुनो, लेकिन क्या है पहले जनरल का हुआ था हमारा, एसटीएससी का एक साथ है, वो ओबीसी का अब चालू होगा। हाँ 9 तक वैसा है ना एलपी के, 9-10 तक यार भाई पता नहीं है इतना तो यार। हाँ फिर हमारा क्या टेक्नीशियन का जब आदमी होगा ना। हाँ तो अब यार देखते क्या होता है। और टेक्नीशियन मेरा तो पहले ही होगा क्योंकि जनरल का उम्र जैसे टेक्नीशियन स्टार्ट होगा तो हमारा पहले होगा सबसे पहले। हाँ। जनरल के हिसाब से तो उसके बाद में आपके पास वो क्या बोलते हैं वो कॉल लेटर होता है ना फर्स्ट सेकंड और साइको का, वो भी ले जाना। नहीं है क्या ना कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो उसको क्या कि उस टाइम जो करते है ना उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले वो अपन की जो मैचिंग करते बायोमेट्रिक वगैरह वही सीबीटी फर्स्ट में यही बंदा था, सेकंड से ही मैच हो रहा, थर्ड से ही मैच हो रहा है, उस टाइम वो कॉल लेटर भी देख रहे थे अगर नहीं हो रहा मैच तो कुछ। अच्छा अच्छा हाँ जी ठीक है भैया। है ना कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से हूँ भैया। अलवर डिस्ट्रिक्ट से? हाँ चलो बढ़िया, कोई ना भाई आराम से हो जाएगा ना। ठीक है भैया ओके सर भाई ओके।